भागवत गीता में कहते हैं, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो केवल एक वजह से बनता है, वह केवल काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे, दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था, वह है उनके काम को करने के पीछे का इरादा, एक का सही एक का गलत। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है नंगा आता है, जब मरता है ऐसे ही जला दिया जाता है, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाता। जिंदगी में जो कुछ यहाँ आने पर मिला है आपके आने से पहले किसी और का था, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है, जो नाम आपके पास है, जो पद आपके पास है, उस पद को पर कोई और था, भले ही आज तुम हो कल और होगा। यही सृष्टि का नियम है, यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। जो बदलाव दुनिया का नियम है, जो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, वह चीज है इंसानियत। सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य परमात्मा का अंश है, जो सीधे तार हमारे परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर शरीर के सुखों को गलत कर्मों में लगे रहते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या रिश्ता हो या पैसा या नाम, एक दिन सबसे छीन जाएगा, दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हम लगातार किसी न किसी तरह से सोच से घिरे रहते हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे वक्त में चुपचाप रहकर समय बिताइए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। क्या हम हर समय शोर शराबा के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज, तेज संगीत की आवाज, यह सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। क्या हम इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी सुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मधुर बोलिए, सबसे जरूरी आवश्यकता को उतना ही बोलिए। वाणी बोलना ही नहीं, मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है धर्म में मौन का बहुत महत्व दिया गया है। सेहत से मौन का बहुत गहरा संबंध है, इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों से एकाग्रता आती है और आध्यात्मिकता है बढ़ती है। जिसने भी साधु संत तपस्वी हुए हैं, मौन रहकर और ध्यान लगाकर गुण ज्ञानों को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुपचाप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपके बोलने का कारण आदेश से ज्यादा दुखी निर्मित होती है। परिवार में कला कलेश का कारण हमारा बोलना ही होता है। आपको जितनी भूख लगती है उतना ही भोजन खाते हैं, जितना जरूरत उतना ही कार्य करते हैं। क्या कभी आप इस बारे में सोचा है, आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक सा ही हम सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में अकेले बैठकर जरूर सोचिए, आप दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, सबसे जरूरी क्यों बोला, इनमें से कितनी बातें जरूरी थी, कितनी अनावश्यक थी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में
सबसे हिम्मत वाले, सबसे ताकत वाले इंसान वह होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच कर देखिए, भगवान की कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चाहे कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन वह अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वह अपना लेते हैं। यानी भगवान इस पूरी सृष्टि से के मालिक होकर भी नेक दिल है, उनके दिल में सबके लिए जगह है, उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है, माफ वही करता है सामने वाले किसी न किसी नजरिए से बड़ा हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना, उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है, या कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान, गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको एक मौका दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और कभी अच्छाई को हराया नहीं जा सकता, ना कभी छुपाया जा सकता। इसलिए सच कहना, अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, एक समय आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आप उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचिए। आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप को काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। यह एक मात्र ऐसी चीज है जो इंसान समझ ले उसका 100% दुख समाप्त हो जा सकता है। वह बिना किसी परेशानी मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जो हासिल नहीं कर सकते। सबसे शानदार तो बात यह होगी जब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे कभी घमंड ना होगा। आपके किसी काम को करने का उद्देश्य कभी यह नहीं होना चाहिए, अगर इस काम को मैं कर लूंगा यह फल प्राप्त होगा, हो जाएगा। अक्सर यह होता है, मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उससे मेहनत से ज्यादा हमारे मन में यह चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त ये सोचते रहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सफलता क्यों नहीं मिली, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए, कोई भी इंसान उस काम में तो जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा उसने मेहनत की होगी। सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता। इसलिए आपसे ज्यादा उसने मेहनत की है, उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म भी संघर्षशील बन जाएगा, उस दिन सफलता आपकी हो जाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसके दिनचर्या में सिर्फ एक ही चीज थी, कठिन परिश्रम। युवक का मानना था वह दिन रात मेहनत करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि वह दुख खुद के सवाल करता, उसकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला। वह दूसरों को सफलता पाते हुए देखता और सोचता, उसने कुछ कम मेहनत किया होगा, शायद उसकी मेहनत ही खराब है। युवक दिन रात इस चिंता में रहता, उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। एक दिन युवक के गांव में एक संत जी आए। संत ने युवक को देखा, वह युवक बहुत बेचैन और चिंतित था। संत ने उसे बुलाया और पूछा, तुम इतना व्याकुल क्यों हो बेटा। युवक ने उत्तर दिया, बाबा दिन रात मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता हूँ, कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख इसी बात में है कि तुम फल की चिंता कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहा है, हमें काम करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। युवक ने पूछा, क्या मुझे मेहनत का फल नहीं मिलेगा। संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, कब और कैसे यह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। या तुम मेहनत करते रहोगे अपने कर्म के प्रति, एक दिन सफलता खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। अगर तुम फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रहेगी। जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं, तब हमारी ऊर्जा और ध्यान
केवल उस कार्य को पर केंद्रित रहता है, यही हमें असली सफलता दिलाती है। संत की बातें सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंता इस बात पर थी कि कब सफलता मिलेगी। फिर उसने तय किया, वह बिना किसी फल की चिंता किए अपने ध्यान को अपने काम पर केंद्रित करेगा। समय बीता, युवक ने अपने ध्यान को अपने काम पर लगाया। उसने जो कुछ भी किया पूरे दिन दिल से किया, उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक दिन उसने वह मंजिल हासिल ही कर ली जिसके लिए वह बरसों से मेहनत कर रहा था। सबसे खास बात यह थी उस युवक के अंदर कि सफलता पाने के बाद भी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह नए नए वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।